न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्यम। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले, दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार हुए 3 आरोपी, सरगना है उत्तराखंड की एक लड़की। हरियाणा की 20,000 हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करनाल में करेंगी रैली। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द, किसान कर रहे थे विरोध। अब खबरें जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार 5 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज 6 महीने बाद कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 58,097 कोरोना के नए मामले आए हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में 18,000 से भी ज्यादा मामले, पश्चिम बंगाल में 9,073 और दिल्ली में 5,481 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में कई दिनों बाद 500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आने वाले शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि बस और मेट्रो सेवा में कमी करने से लोगों को जो परेशानी हुई थी, उसको देखते हुए ये भी ऐलान किया गया है कि बस और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पर चलेंगी। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो करीब 10,000 मामलों में से 85% से ज़्यादा मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उन मरीजों को कोई लक्षण नहीं है। इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 15,389 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों में 42,000 से ज़्यादा मामलों की बढ़ोतरी हुई है। और पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 243 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल संक्रमित में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो 2,135 हो गए हैं। वैक्सीन की बात करें तो अब तक 147,72,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से 96,43,000 से ज़्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। अगली बात करते हैं बुल्लीबाई ऐप के बारे में। बुल्लीबाई नाम का ऐप, जिसका इस्तेमाल कर मुखर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी करने की भद्दी हरकत की गई थी, उसके आरोपी हैं 19 से 21 साल के उम्र के युवा और बताया जा रहा है कि इसकी सरगना है 19 साल की एक लड़की। मुंबई साइबर पुलिस ने बुल्लीबाई ऐप मामले में उत्तराखंड से एक और छात्र को अब गिरफ्तार किया है। इधर दिल्ली पुलिस अभी भी जानकारी ही जुटाने में लगी है। दिल्ली पुलिस ने यह मामला अपनी IFSO इकाई को सौंप दिया है और वो ऐप के बारे में उसके विदेशी प्लेटफॉर्म से सूचना मांगने के लिए परस्पर कानूनी सहायता संधि प्रक्रिया के जरिए मंजूरी लेने की योजना बना रही है। इधर मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मयंक रावल, 21 साल का मयंक रावल नामक छात्र, बुधवार को तड़के उत्तराखंड से पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच ने इससे पहले इस मामले में मुख्य आरोपी श्वेता सिंह को उत्तराखंड के रुद्रपुर से और इंजीनियरिंग के छात्र विशाल कुमार झा, वो भी जो 21 साल का है, उसको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म GitHub, जिसका नाम है, उस पर डाले गए बुल्लीबाई ऐप पर नीलामी के लिए अनुमति लिए बिना ही सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की फर्जी तस्वीरें अपलोड किए जाने से संबंधित जो शिकायतें थीं, उसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। आपको बता दें कि बुल्लीबाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें नीलामी के लिए रखी गईं और ये तस्वीरें उन महिलाओं की हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ या कहें BJP की सरकार के खिलाफ पिछले कई सालों में मुखर रही हैं। और आपको बता दें कि इन महिलाओं में RJ साइमा, वायर की पत्रकार इस्मत आरा और जो नजीब, JNU के नजीब की जो माँ है, उनकी भी तस्वीरें इसमें डाली गई थी। अगली बात करते हैं कि 8 दिसंबर 2021 से हड़ताल पर लगभग 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को हरियाणा के करनाल में एक रैली निकालेंगी। इसके साथ ही आंदोलन की अगुवाई कर रही 3 यूनियनों में से एक ने हड़ताल से समर्थन वापस लेने का भी फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पिछले महीने कई वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा के बावजूद हरियाणा के 22 जिलों में लगभग सभी 26,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालन 8 दिसंबर 2021 से प्रभावित हुआ है। इन जिलों में सभी महिला कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अन्य मुद्दों के अलावा वे मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि करने की मांग जो है वो कर रही हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनों से संबद्ध हरियाणा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की शकुंतला, जो कि यूनियन की महासचिव भी हैं, उन्होंने मंगलवार को न्यूज़ क्लिक से बातचीत करते हुए बताया
कि करनाल रैली की तैयारियां जोरों पर हैं और कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने करनाल जाने के लिए वाहनों की बुकिंग भी कर ली है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कल करनाल पहुंचेंगी और हमने रैली को जिला कार्यालय तक ले जाने की योजना बनाई है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो इस आंदोलन को और आगे जाकर तेज करेंगी। और अंत में बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली के बारे में। ऐतिहासिक किसान आंदोलन में किसानों की जीत के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे। शायद बीजेपी और मोदी को लगा होगा कि किसान अब उनके विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसानों ने उनकी रैली से पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर मोदी और केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों पर खामोश है तो उनके पंजाब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी के फिरोजपुर दौरे से पहले किसानों ने करीब 12 घंटे तक फिरोजपुर को जाने वाली सड़कों को जाम किया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने फाजिलका फिरोजपुर, तरन तारण फिरोजपुर और जीरा फिरोजपुर रोड को जाम किया था, जिसके बाद आज किसानों की सड़क जाम की वजह से पीएम मोदी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी और भटिंडा से ही वापस जाना पड़ा। पीएम 20 मिनट तक फाजिलका फ्लाईओवर पर रुके रहे और उसके बाद रैली रद्द कर दी गई। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर सुरक्षा में चूक के इल्जाम लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि ये एक फ्लॉप शो था। हालांकि जब उन्हें सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया तब उन्होंने बुधवार सुबह 9:30 बजे सड़कों को आधा खोला। उनको आश्वासन दिया गया था कि 15 जनवरी को नरेंद्र मोदी उनको जो है संबोधित करेंगे। ये विरोध और मोदी की रैली ऐसे समय में भी हो रही है जब कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने बताया कि जब उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान पीएम मोदी से 500 किसानों की मौत पर सवाल किया था तो मोदी का जवाब था कि किसान मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। इस वजह से भी किसानों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा बना हुआ है जो शायद आगामी विधानसभा चुनाव में भी जाहिर होगा। आज के न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में सिर्फ इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए और यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। देखने के लिए शुक्रिया।